वेलकम टू रंगार सर अकाडमी। आज के लेक्चर में अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम सुनते बराबर स्टूडेंट डर जाते हैं और बाद में स्टूडेंट के माइंड में ऐसा पॉइंट सेट हो जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टफ है, हम पढ़ नहीं सकते, काफ़ी हार्ड है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट ने सोच लिया करके उसको हार्ड लग रहा है। मैं तो ये बोलूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समान दूसरा इजी सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी तभी होता है जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पता होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में जो हेल्प करती है। चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11 क्लास की हो, 12 क्लास की हो, या तो फिर अंडर ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइंस, यानी कोई भी केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी क्लास से बिलोंग क्यों ना करें, वो होती है बहुत ईजी। लेकिन उसको पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता ना चाहिए तो ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट बन जाता है, नहीं तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट एंड टफ हो जाता है। तो जो जितना ज़्यादा टफ सब्जेक्ट हम सोचते हैं वही उतना ज़्यादा ईजी होता है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ईजी कैसे बनाए और ईजी तरीके से कैसे पढ़े, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप स्टडी करते हो तो आपको वाई की स्टडी करना पड़ेगा। जब भी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक खोल के बैठे आप, तो ऐसा ही क्यों हुआ, आप अगर यहाँ से स्टार्ट करना अगर चालू करोगे, वाई टू दिस सिचुएशन आस्क इन पर्टिकुलर कंसेप्ट, पर्टिकुलर टॉपिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ते तो वहाँ पे वाई लगाने का, ऐसा ही क्यों हुआ, और वही एक्चुअली रियल स्टडी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपके जितने ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ते समय डिफिकल्टी क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, और डिफिकल्टी आती है तभी कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर स्टार्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्टीमेटली अपन स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे क्या, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड की स्टडी होती है। तो आज के लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसको कैसे पढ़ते हैं और उसमें क्या पढ़ना पड़ता है, ये डिस्कस करेंगे। एज वेल एज आज का लेक्चर नंबर 4th है, 10 से 12 मेरे लेक्चर बनेंगे, बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी आप भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी आधारित डिपेंड करेगा। और ये 10 से 12 लेक्चर अगर आपने देख लिए प्रॉपरली कंटिन्यू वॉच के, तो आपको डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर नंबर 4th है, आज के लेक्चर के मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसमें क्या पढ़ना पड़ता है और अपन उसमें कैसे पढ़ेंगे, ओके, ये सब चीज़ें अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है सर, ठीक है, केमिस्ट्री बोलते केमिकल कंपाउंड की स्टडी होती है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्टीमेटली अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। तो एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, तो इसके नाम में इसका मीनिंग है। ये जो ऑर्गेनिक नाम का वर्ड जो है, ये फ्रॉम ऑर्गेनिज्म से आया हुआ है। ऑर्गेनिज्म का मीनिंग होता है लिविंग, जैसे कि प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हीं को अपन लिविंग बोलते हैं और इन्हीं का नाम होता है ऑर्गेनिज्म। तो हर किसी लिविंग एक पर्टिकुलर केमिकल प्रोड्यूस करता है, हर कोई ऑर्गेनिज्म केमिकल प्रोड्यूस करता है। जैसा एक मैं प्लांट में मैंने अगर नीम का प्लांट लिया, तो नीम के प्लांट के अंदर भी केमिकल प्रोड्यूस होता है, तभी उसके प्लांट के जो पार्ट होते हैं, जैसे इसकी लीव्स हो गई, फ्लावर हो गए, बिटर लगते हैं, तो वहाँ पे कुछ तो भी केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट, जिसकी टेस्ट बिटर है। एक गन्ने का प्लांट लिया तो वहाँ पे उसकी टेस्ट स्वीट होती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ ना कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता होगा जहाँ पे उसका टेस्ट स्वीट होता है। एनिमल की बात किया तो स्नेक जब बाइट करता है तो वहाँ से पॉइजन बाहर आता है, पॉइजन भी केमिकल है, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगा, ये भी बहुत सारे केमिकल क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म से केमिकल प्रोड्यूस होते हैं वो केमिकल को बोलेंगे अपन ऑर्गेनिक केमिकल, इज नॉट टू दी ऑर्गेनिक केमिकल अथवा ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, आज नॉट दी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे इसको अपन। अब ऐसा माना जाता है साइंटिफिक रिसर्च के माध्यम से कि जो भी ऑर्गेनिज्म से जो ऑर्गेनिक केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, उन ऑर्गेनिक केमिकल अथवा ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेसिक जो एलिमेंट कॉमनली पाया जाता है वो होता है कार्बन। द बेसिक एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड
ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कार्बन। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होते चाहे प्लांट हो, एनिमल हो अथवा माइक्रोब्स, ये जो भी केमिकल प्रोड्यूस करेंगे वहां पे बेसिक क्या होता है, कार्बन होता है। और ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड बनते हैं उसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो अपन स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी करेंगे अपन, ओके, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ उसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और मैंने अभी जो बोला कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वहां पे कार्बन होता है, सीधा बोलेंगे दैट इज स्टडी ऑफ कार्बन। अगर मैं कार्बन कंपाउंड की स्टडी कर, स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, अगर मैं कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की स्टडी कर रहा हूं उसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका सोर्स ही ऑर्गेनिज्म है, करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक नाम का वर्ड दिया गया है। ओके, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड एक होता है, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन होता है, प्रेजेंट कार्बन, प्रेजेंट डी कार्बन। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलते, कहां से मिलेंगे वो, नॉन ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है, अब्सेंट डी कार्बन, अब्सेंट डी कार्बन, यहां पे कार्बन नहीं हुआ करेगा। ओके, तो जैसे कि आपके अगर मैं एग्जाम्पल रखता हूं, जस्ट लाइक दी मीथेन, तो मीथेन के अंदर कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। देन इथेनॉल C2H5OH, इसके अंदर कार्बन है तो ये ऑर्गेनिक है। यहाँ पे मैंने H2SO4 राइट कर दिया, यहाँ पे कार्बन नहीं, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन है, तो जहाँ पे कार्बन नहीं वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, और जहाँ पे कार्बन है वो होगा ऑर्गेनिक। तो अल्टीमेटली ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल मीनिंग, कि एक्चुअली व्हाट डू मीन बाय द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद स्टडी अबाउट फॉर द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, सच टाइप ऑफ द केमिस्ट्री इज नॉट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, फोर्स टू टेक योर स्क्रीनशॉट। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीनिंग बताया, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड की स्टडी करते हैं। लेकिन सर ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड की एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माध्यम से वेरियस पैरामीटर स्टडी होती है। ओके, अब कितने प्रकार के पैरामीटर ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के माध्यम से पढ़ा जाता है वो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टली बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्टीमेटली क्या बोलेंगे अपन, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में नंबर फोर्थ कंसेप्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जो भी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर कंपाउंड को आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से बने हुए रहते हैं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, इस्टर, अमीन, एक्सवाजेट। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नंबर फोर्थ नॉमिनिक्लेचर करते आना चाहिए। ओके, यानी उसका अपन नामकरण कैसे करते थे, इसके दो प्रकार के नाम होते हैं, आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको क्लासिफाई करते आना चाहिए, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत टाइप के होते हैं, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, इस्टर, अमीन, तो किस कैटेगरी के क्लास में आते, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एक्सवाजी। तो आपको कंपाउंड को क्लासिफाई करते आना चाहिए, कैटेगराइज करते आना चाहिए। थर्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी कंपाउंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कैसे प्रिपेयर होता है, तो उसकी आपको प्रिपरेशन मेथड पता होना चाहिए, अबाउट व्हाट इज द प्रिपरेशन मेथड। देन इसके बाद अगर कंपाउंड आपके आगे बन के अगर आ गया, प्रिपेयर हो गया यानी डेवलप हो गया, कंपाउंड को आपने सिंथेसिस किए, तो उसकी खुद की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसकी स्टेट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो आपको कंपाउंड की फिजिकल स्टेट अथवा फिजिकल स्टेट नहीं बोलेंगे अपन, सिंपल क्या बोलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलेंगे। आपको कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन के आया वो किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट होता है, एक अपने खुद की केमिकल रिएक्शन शो करेगा, तो उसकी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, अबाउट फॉर द केमिकल
प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछा करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट में केमिकल कंपाउंड के बारे में। फिर वो केमिकल कंपाउंड का एक्चुअली अपन पढ़ते रहे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्चुअली डेली लाइफ में यूज क्या है, तो आपको कंपाउंड के यूजेस पता होना चाहिए। और कुल मिला के बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखोगे तो सिलेबस में जो क्वेश्चन ज़्यादातर प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शन, ठीक है, पोस्ट अबाउट फॉर द प्रिपरेशन मेथड एंड सेकंड केमिकल रिएक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के पहले चाहे आप प्रिपरेशन मेथड की बात बोलो अथवा केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर पोस्ट रिएक्शन की रिएक्शन क्या होता है। अगर आपको रिएक्शन का एक्चुअली मीनिंग समझ में आ गया तो केमिस्ट्री आपके आगे बिल्कुल ईजी हो जाएंगे, ठीक है, इतनी ईजी हो जाएंगे कि केमिस्ट्री में आपको हर टॉपिक पढ़ने में एक इंटरेस्ट आएगा। और कोई भी टॉपिक जब इंटरेस्ट नहीं पढ़ोगे तब वो टॉपिक समझ में आता नहीं। अब रिएक्शन का मैं आपको सिंपल मीनिंग बताता हूँ कि एक्चुअली रिएक्शन होती क्या है। एक मैंने बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने वाटर रखा, ओके, वाटर के अंदर बीकर में वाटर रखा, अब वाटर में अपन साल्ट डाल रहे NaCl, तो वाटर एक कंपोनेंट है, ओके, और साल्ट भी एक कंपोनेंट है, ये वाटर एक कंपोनेंट, साल्ट एक कंपोनेंट, दोनों आपस में रिएक्ट हुए, तो यहाँ पे एक साल्ट सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, टू मेकिंग ऑफ द साल्ट सॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड वाटर में रिएक्ट हुआ, वाटर सोडियम क्लोराइड साथ मिक्स हुआ, दोनों के बीच में रिएक्शन हो कि यहाँ पे क्या बना सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं रिएक्शन। अब रिएक्शन में बेसिकली दो वर्ड होते हैं, री प्लस एक्शन। अब री का मीनिंग होता है अपोजिट, एक्शन का मीनिंग होता है प्रतिक्रिया। सोडियम क्लोराइड वाटर के अगेंस्ट एक्शन कर रहा है, वाटर सोडियम क्लोराइड के अगेंस्ट एक्शन कर रहा है, तभी तो दोनों के बीच में रिएक्शन होकर साल्ट का सॉल्यूशन बन रहा है। लेकिन इसी वाटर में अगर, इसी बीकर में अगर अपन वाटर रखते हैं और यहाँ पे मैं अगर सोयाबीन ऑयल डाल रहा हूँ, तो सोयाबीन ऑयल वाटर में सोल्युबल होता है क्या? नहीं। तो वाटर सोयाबीन ऑयल के अगेंस्ट एक्शन नहीं कर रहा है और सोयाबीन ऑयल वाटर के अगेंस्ट एक्शन नहीं कर रहा है, करके ये नो रिएक्शन, ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। मैं एक पर्टिकुलर लेक्चर बनाऊंगा कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटालिस्ट, रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया कि रिएक्शन का सिंपल सिंपल मीनिंग, तो रिएक्शन में कुल मिला के दो कंपोनेंट चाहिए, मेरा कहने का अर्थ यही है, यहाँ पे दो कंपाउंड कौन है, वाटर प्लस साल्ट, यहाँ पे दो कंपाउंड कौन थे, वाटर प्लस सोयाबीन ऑयल, हालांकि रिएक्शन नो रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रही, यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। तो चाहे आप प्रिपरेशन मेथड पढ़ो तो आप केमिकल रिएक्शन पढ़ो, आपको रिएक्शन नाम का वर्ड आएगा। तो प्रिपरेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी भी केमिकल कंपाउंड को डेवलप करना, ठीक है, जैसे कि अपन को एक मीथेन का फॉर्मेशन करना है, ओके, अथवा मैंने कोई भी केमिकल कंपाउंड लिया जिससे मुझे, जैसे कि मुझे मिथाइल क्लोराइड फॉर्म करना है, तो ये हो गया अपना मिथाइल, ये हो गया अपना क्लोरीन इन प्रेजेंस अल्ट्रावायलेट लाइट, तो यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड फॉर्म होगा और यहाँ पे क्या बनेगा नेक्स्ट कंपाउंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन मेथड हुई है, शॉर्ट फॉर्म यूज किया मैंने मिथाइल क्लोराइड, जैसा फुल फॉर्म लिख देते अपन, दैट इज दी मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे हो गया प्रिपरेशन मेथड, यहाँ पे रिएक्शन आई, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन ही समझ में आना चाहिए, वो समझ में आ गया ना तो पूरा केमिस्ट्री इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बोलेंगे अपन प्रिपरेशन मेथड, क्योंकि अल्टीमेटली मिथाइल क्लोराइड क्या हो गया, प्रेपर हुआ, और रिएक्शन में दो साइड होते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में जो बन के आता है वो प्रोडक्ट होता है, प्रेपर हुआ। अब ये अगर बन के आ गया तो किसी के साथ रिएक्ट होगा क्या, तो इसको किसी के साथ रिएक्ट होगा, होने के बाद रिएक्शन शो करेगा कि नहीं करेगा, ये पढ़ने के लिए इस कंपाउंड की खुद की केमिकल रिएक्शन होती है। तो जैसा ये, जैसा मैंने यहाँ पे लिया मिथाइल क्लोराइड को, अगर यहाँ पे अगर लेते हैं अपन, इसके साथ अगर मैंने स्ट्रांग बेस रिएक्ट किया NaOH, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl और OH, तो क्या बना, CH3OH प्लस साल्ट बना, ये बना आपका मिथेनॉल। तो ये मिथाइल क्लोराइड की केमिकल रिएक्शन होगी, ये भी मिथाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन मेथड होती। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको प्रिपरेशन मेथड और केमिकल रिएक्शन समझ में आना चाहिए। तो ये पढ़ने के पहले आपको रिएक्शन क्या है, रिएक्शन कितने प्रकार की होती है और रिएक्शन परफॉर्म करवाने के लिए कितने चीज़ों की जरूरत गिरती है, ये लेक्चर नंबर आगे वाले लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा।
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय आपको बेसिकली कंपाउंड क्या है और कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो पता होना चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय आपको बेसिकली फोर इलेमेंट की आपको बेसिक केमिस्ट्री पता होना चाहिए। उनमें से फर्स्ट इलेमेंट होता है कार्बन, सेकंड इलेमेंट होता है नाइट्रोजन, थर्ड इलेमेंट होता है ऑक्सीजन, फोर्थ इलेमेंट होता है हाइड्रोजन। इसकी अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री अगर पता है अबाउट फॉर द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, स्ट्रक्चर, इसकी वैलेंसी, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी जाएगा। क्योंकि होता ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं मैक्सिमम जितने भी अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होते हैं जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल, अल्डाइड, ईथर, एक्सवाजेट, उनमें ज्यादातर चारों कंपाउंड इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चारों कंपाउंड की आपको केमिस्ट्री पता होना चाहिए। और केमिस्ट्री पता होने के बाद एक जब चारों कंपाउंड है, चारों इलेमेंट है, ये चारों इलेमेंट की अगर आपको केमिस्ट्री अगर पता रहेंगे तो इलेमेंट से ही कंपाउंड बनता है, वो कैसा डेवलप होता है, फिर उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे उसकी केमिकल रिएक्शन होंगी, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनकी बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और इन्हीं केमिस्ट्री, इन ये जो इलेमेंट होते हैं, इन बेसिक इनके अगर केमिस्ट्री अगर आपको पता हो जाएंगे तो इन्हीं के आधारित अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। मैं आज के लेक्चर में आपको सिर्फ यही बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना पड़ता है। ओके।